घर निर्माण दे संबंधित प्रश्नां नूं साडे माहिरां दी सलाह दे लई कमेंट बॉक्स दे विच पुछो अते घर निर्माण दे नाल जुड़े अपडेट्स दे लई साडे चैनल नूं सबस्क्राइब करो अते बैल आइकन ते क्लिक करो। साडे घर दा सारा भार नीं ते हुंदा है अते इह भार नीं तों जमीन ते पैंदा है, इस लई मजबूत फाउंडेशन सही बेस ते बनाउणा जरूरी है। आओ जानिए कुछ गल्लां मिट्टी दीआं किस्मां अते नीं ते उहनां दे प्रभाव दे बारे। पीट सोइल या दलदली मिट्टी, ये नी रखण दे लई सही मिट्टी नहीं हुंदी क्योंकि इन्हां दी पानी नूं सोखण दी योगता वध हुंदी है। क्ले, ये पानी दी मात्रा दे हिसाब दे नाल फैलदी अते सुंगड़दी है जिस दे नाल फाउंडेशन ते बहुत ज्यादा प्रेशर पैंदा है अते ओह उत्ते थल्ले हो सकदा है। रेत, रेत दे कण बहुत वड्डे हुंदे हन अते पानी नहीं सोखदे, कन्फाइंड सैंड फाउंडेशन नूं सहारा दे सकदी है। कन्फाइंड ना होण करके नमी दे नाल ए आसानी दे नाल धोती जांदी है जिस दे नाल फाउंडेशन दे थल्ले गैप आ सकदा है। ग्रैनुलर जां चिकनी बालू मिट्टी, ए सर्वोत्तम मिट्टी है नीं रखण दे लई। इस दी संतुलित विशेषतावां दे कारण पानी दा लेवल मेंटेन करदी है। रॉक या पत्थर, बेडरॉक या सैंडस्टोन वर्गे पथरीले बेस ते फाउंडेशन नूं मजबूती मिलदी है क्योंकि ए स्थिर अते डूंघे हुंदे हन। तुसी अपने घर दे निर्माण तो पहला मिट्टी दी जांच करवा सकते हो जिस दे नाल तुहानू उस दीआं विशेषतावां दे बारे सही जानकारी मिलेगी। ए सी कुछ गल्लां नीं दी मिट्टी दे बारे। जेकर तुहाडे कोल इस तों संबंधित कोई सवाल हन तां सानू हेठां दित्ते गए कमेंट सैक्शन विच दसो। देखते रहो बात घर की, अल्ट्राटेक वल्लों।